रंगापानी स्टेशन पर बड़ा ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकरा गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। सुबह 9:45 बजे रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। अभी की जो मैं समय आपको बताऊं, 10:15 बजे का ये टाइम हो रहा है, यानी करीब करीब 1.5 घंटे बाद ये तस्वीरें और ये जानकारी आप तक आ पाई है निकलकर। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि टक्कर कितनी तेज हुई है। बोगी पूरी की पूरी देखिए उठी हुई दिखाई पड़ रही है। ट्रैक से मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर हुई है। ये साफ नहीं हो पाया है कि इसमें क्या लोग हताहत हुए हैं या नहीं। शुरुआती जानकारी कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, ज्यादा जानकारी दीजिए, हुआ क्या रंगापानी स्टेशन पर? एकदम, देखिए 8:30 बजे ये कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी स्टेशन से शियालदा के तरफ से रवाना हुआ था। एनजीपी स्टेशन छोड़े थे, उसके बाद ही 9:45 बजे के आसपास निजबरी और रंगापानी ये दोनों स्टेशन के बीच में ये हादसा का घटना घटा है। जैसे कि रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जगह रंगापानी और निजबरी ये जो दोनों स्टेशन है, दोनों स्टेशन के बीच का ये जगह है, ये इस जगह में कंचनजंगा एक्सप्रेस जब जा रहे थे उसके साथ एक मालगाड़ी का टक्कर हुआ। और मालगाड़ी के टक्कर होने पर ये कंचनजंगा एक्सप्रेस का दोनों जो बोगी, वो दो बोगी अभी डीरेल्ड हो चुका है। जैसे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि जब ये ट्रेन जा रहा था मालगाड़ी की तरफ से पीछे से टक्कर हुआ, पीछे के टक्कर होने के वजह से ये जो ट्रेन का जो दो कमरा, ये दो बोगी का डीरेल हो गया, एक बोगी आसमान में उड़ गया। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू हो चुका है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ममता बनर्जी खुद एक चैनल पे पोस्ट करके इसके ऊपर जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करने का ऑर्डर भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। नौबतपुर की तरफ से कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही जो लोकल पुलिस स्टेशन है तुरंत ये काम में लगे हुए है कि जो भी यात्री उस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनको रेस्क्यू किया जाए। जैसे कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस घटना में अभी तक बहुत सारे जो यात्री हैं जो डाउन। रहने का मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लाइव तस्वीरें दिखा दूं, फिर उसके बाद आपसे एक और सवाल करना है। लाइव तस्वीरें मेरे दर्शक अब टीवी स्क्रीन पर फुल फ्रेम देखेंगे, जो अभी तस्वीरें आ रही हैं। और ये तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि टक्कर कितनी तेज हुई है। गाड़ियों के पहिए निकल गए हैं, मालगाड़ी का वैगन नीचे गिर गए हैं, उसके पहिए अलग हो गए हैं। जो ट्रैक है वो भी ऐसा लग रहा है कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। रंगापानी स्टेशन के पास ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है, यहाँ पर ये जो स्थिति हुई है। और मैं एक बार तस्वीरों को आपने दर्शकों को विस्तार से यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए ये ट्रैक ऊपर से जा रहा है और मालगाड़ी का जो वैगन अलग हो गया है, नीचे का बेस पहियों के साथ अलग होकर नीचे आ गया है। ये सारे के सारे वैगन नीचे आकर गिरे हैं, सारे के सारे कंटेनर हैं जो मालगाड़ी पर यहाँ पर थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस के हमने कुछ डब्बे आपको इससे पहले दिखाए थे, देखिए कितनी ऊंचाई से नीचे आकर ये वैगन यहाँ नीचे गिरे हुए हैं जो ट्रैक के किनारे हैं। दूसरी तरफ कंचनजंगा एक्सप्रेस जाहिर तौर पर होनी चाहिए, उसके दो बोगी हैं वो काफ़ी हवा में ऊंची उठ गई हैं। रेस्क्यू के लिए टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर लोग वो हो सकते हैं जो कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के यात्री हो सकते हैं जो नीचे आ गए होंगे। ये तस्वीरें हम लगातार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ पाए कि वहाँ पर क्या स्थिति है जो हम देख पा रहे हैं अभी इन लाइव आती हुई तस्वीरों के चलते। ये देखिए कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं वो हवा में कितनी ऊंचाई तक उठ गई हैं, ये स्थिति यहाँ पर बता रही है। ये इंजन दिखाई पड़ रहा है, जाहिर तौर पर ये मालगाड़ी का इंजन है, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस है। रैनिक, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी है या ये आमने सामने की टक्कर हुई है। आप इस बात को क्लियर करें और ये बताएं कि जानकारी क्या आ रही है। हालात ये बता रहे हैं कि इसमें कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, हालांकि अभी तक हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं। रैनिक बताएं। एकदम, देखिए एकदम प्राइमरी स्टेज में है ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग हाथ लगा है, उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी है जो आंखों से देखा
है पूरा घटना। उनका कहना है कि जब मालगाड़ी की तरफ से पीछे से टक्कर दिया गया था ये कांचनजंगा एक्सप्रेस को, और पीछे से टक्कर देने के बाद ही ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का दो कमरा जो रेल लाइन से छूट गया, ऐसा कहना है। और इस घटना में अभी तक बहुत सारे लोग जो दो कमरे में शामिल थे, जो यात्री सफर कर रहे थे उस ट्रेन में कांचनजंगा एक्सप्रेस में, वो घायल हुए हैं। अभी तक कोई कैजुअलिटी का खबर नहीं आया। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, ये आमने सामने की टक्कर है या रेलगाड़ी मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है या कंचनजंगा एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मारी है, ये किस तरह दर्शकों के लिए साफ कीजिए, आमने सामने की टक्कर है या किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है, साफ कर बताएं। नहीं देखिए, कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से एक ही लाइन से ये मालगाड़ी आ रहे थे, और उसी टाइम में मालगाड़ी की तरफ से कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो पीछे का हिस्सा, उस पीछे का हिस्से में टक्कर दिया गया था, और उसके बाद ही कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो दो कमरा, वो कमरा डिरेल्ड हो गया, ऐसा ही जो। और आप इन तस्वीरों में गौर से देखें, रैनिक जो बात कह रहे हैं कि मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, ये तस्वीर साफ बता रही है, ये दो डिब्बे कांचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के डिब्बे दिख रहे हैं, ये मालगाड़ी का इंजन है और ये पूरी बोगी ऊपर उठी हुई है, ज्यादातर ये बोगी वैगन की बोगी होती है, इसमें सामान रखा होता है ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी, लेकिन आगे की बोगी में लोग होते हैं और इसका जो इंपैक्ट होता है वो आगे तक कई बोगियों में लगता है। एक बात तो समझ में आ रही रैनिक, जो आप बात कह रहे हैं कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की है। एकदम ही देखिए, जैसे कि प्राइमरी जो तस्वीर सामने आ रहा है, प्राइमरी जो रिपोर्ट सामने आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन सामने आ रहा है, उसमें साफ साफ ये है कि मालगाड़ी का कोई गलती होगा, मालगाड़ी कोई सिग्नल ब्रेक किया होगा, जो ड्राइवर था उनके तरफ से कोई छेड़खानी किया गया होगा, वो कुछ मिस कर गया होगा और इसी वजह से इस तरीके का हादसा घटा है। और हम जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है उसमें साफ है कि मालगाड़ी और कांचनजंगा एक्सप्रेस के बीच में जो टक्कर हुआ है वो टक्कर बहुत ही भयानक टक्कर है, जिस वजह से कांचनजंगा एक्सप्रेस का जो कमरा, वो कमरा आसमान में उठ गया है, और जो इफेक्ट, वो इफेक्ट सामने का दो बोगी में भी पड़ा है जिसमें यात्री सफर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, आज सोमवार सुबह जब दार्जिलिंग एनजीपी स्टेशन से बहुत सारे लोग ये नॉर्थ बंगाल का टूर करके लौटते हैं, कोलकाता में लौटने के टाइम में ये डाउन एक्सप्रेस ट्रेन है कांचनजंगा एक्सप्रेस, और उसमें इस तरीके का जो हादसा, ये हादसा बहुत ही भयानक है। अब तस्वीरें, एक मिनट रैनिक आपको रोकूंगा, इस वक्त तस्वीरें बड़ी साफ दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज तो यहां पर साफ हो रही है कि पीछे के दो डिब्बे जो इंपैक्ट में सीधे सीधे आए हैं वो माल के डिब्बे हैं, वो पैसेंजर ट्रेन के साथ इन पीछे के डिब्बों में सामान रखा जाता है, यानी यहां पर लोगों के होने की संभावना एकदम कम है, जहां सीधा इंपैक्ट इस इंजन का आया है जो मालगाड़ी का इंजन है। पीछे के दो डिब्बे माल के हैं, यानी उसके बाद वाला डिब्बा था जो यात्रियों का डिब्बा था, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं ये, और यात्रियों के डिब्बे पर कितना इंपैक्ट हुआ है, लोग कितने वहां पर घायल हुए हैं, वो संख्या अभी सामने नहीं आ पाई है, ये अधिकतर वो लोग हैं। और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दुख जताया है इस हादसे को लेकर, अभी लोग घायल हैं, उनको इलाज दिया जा रहा है, युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य जारी है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान सामने आ गया है कि युद्ध स्तर पर बचाव का कार्य जारी है, ज्यादातर लोग वहाँ जो गाड़ी के थे वो गाड़ी से नीचे इस वक्त आ चुके हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर है और ये लोग भी यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इस डेबरी में या इस टक्कर के बाद, इंपैक्ट के बाद जो हालत है इंजन और डब्बों की पिछले, वहाँ कोई दब तो नहीं गया है। बड़ी भीड़ है, आसपास के भी लोग हैं, ट्रेन के भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, जो यहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें दुख है कि हादसा हुआ, लेकिन राहत बचाव कार्य इस वक्त जारी है। रैनिक जवाब दीजिए। रैनिक बताएं और जो डिटेल आ रही हो रेलवे से। एक दिन देखिए, रेलवे की तरफ से जो डिटेल्स आ रहा है, सबसे पहले मैं रेलवे के पहले भी ममता बनर्जी का बात कर लेता हूँ। ममता बनर्जी की तरफ से नवन्नों की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है कि जल्द से जल्द उधर का जो डीएम है, डीएम को उधर स्पॉट में पहुंचने के लिए ऑर्डर दिया गया है। नवन्नों की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि नॉर्थ बंगाल
का जो एसपी है वो भी जल्द उधर पहुंचे। नवानगर की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो भी उधर का रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है, जो इमरजेंसी सर्विसेज टीम है, फायर डिपार्टमेंट की टीम है, जल्द से जल्द तुरंत पहुंचा जाए, ऐसा नवानगर की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, ऐसा खबर आ रहा है। इसके साथ साथ ही एसपी ऑफिस के तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो उनको भी भेजा जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाए, जो एम्बुलेंस है उसको भी दिया जा रहा है। और उसके साथ चलिए ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रंगापानी स्टेशन दार्जिलिंग के पास जहां पर हुआ है रैनिक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, ये जानकारी आपने दी, और भी अपडेट्स में लाइए, जैसे ही और कोई अपडेट आता है रैनिक आपका सीधे तुरंत हम संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रैनिक इस जानकारी और तस्वीरों के साथ जो लाइव इस वक्त आ रही हैं, यानी अश्विनी वैष्णव जो नए रेल मंत्री हैं उनके लिए शुरुआत करते ही एक बड़ी चुनौती की तरह ये रेल दुर्घटना सामने आई है। उम्मीद है इसकी जाँच होगी और पता ज़रूर लगाया जाएगा कि किसकी गलती से ये हादसा यहाँ पर पेश आया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।